आफ्टरनून एवरीवन, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। अभी टाइम हुआ है 2:30 का और आज पीयू का एग्ज़ाम था। वो कह तो रही है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, पता नहीं अब कैसा देख के आई अभी। और आज डेट है 19 फरवरी और आज डे है पीयू। और पीहू अभी भी घर आई है और ये स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है और हम जा रहे हैं मंडोली। हमने सारा सामान पैक कर लिया है, कार में रख लिया है। बस अभी आपको जो दिखाया है मैंने घी में, वो घी गर्म कर रही हूँ और उसको, और आज मैंने थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाई है बालों की, ज़्यादा नहीं करवाई है। आप सबसे मैंने पूछा था कि मुझे क्या करवाना चाहिए बालों की कटिंग, कौन सी करवानी चाहिए कौन सी नहीं, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने ना बड़े प्यारे प्यारे रिप्लाई किए और सब ने मुझे यही बताया कि आपके बाल अच्छे हैं, आप कटिंग मत करवाइए, आपके बाल लंबे अच्छे लगते हैं। तो मैंने सिर्फ ना नीचे से ट्रिमिंग करवाई है ताकि जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ठीक हो जाएं। सारा सामान मैं पैक कर चुकी थी, मुझे फिर पीहू का कोट नज़र आ गया, स्कूल का कोट है ये, इसका यूनिफॉर्म वाला, मैं कि ये तो डालना ज़रूरी है, तो मैंने इसको साथ के साथ ही तय करके और टाई बेल्ट भी साथ में ही पैक कर लिए थे। बाकी सारा सामान हमने पैक करके कार में रख दिया था। हेलो, अभी हम निकल चुके हैं और ये देखिए पीछे कार में सामान और वो बैठी है वहाँ पीहू, और कार ना पूरी भर चुकी है क्योंकि सामान ना कुछ ऐसा था कि जो गांव में ही रख के भी आना था, तो इस वजह से मैंने वो भी उठा लिया। मैं कहा चलो फिर एक ही बार ले जाती हूँ, बार बार कहाँ सेटिंग करने की, क्योंकि गर्म कपड़े वगैरह जो है वो गांव में ही रखती थी मैं वहीं पर बेड में। और तो बस अभी हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा लेट भी हो गई क्योंकि कार में सेटिंग करने का टाइम में टाइम लग गया, और मक्खन गर्म किया था, मक्खन निकाला था तो वो भी गर्म करना था, फिर मैं कहा हफ्ते 10 दिन तक आऊँगी तो इतने वो ख़राब हो जाएगा। पर मैं पहुंच चुकी हूं फंक्शन में जो अरब है हलद गांव में, और आज से सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, आज से ही गीत वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब में मतलब फंक्शन में पार्ट लेना, इसलिए मैं आज गांव आ गई थी। और मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी तो मैंने ना कार में से सामान भी नहीं निकाला, मैं सीधा घर आई और फिर वहाँ से मैंने अपने साथ शीतल को लिया। और इनका घर थोड़ा सा दूर पड़ता है, थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। और मुझे तो ये गीत वगैरह नहीं आते हैं गाने बिल्कुल भी, बट मैं इंजॉय करती हूँ और मैं डांस कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा इतना अच्छा डांस नहीं होता है, बस ये कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अगर मैंने किया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। I'm not afraid.
है, मतलब जो हलद करते हैं उसमें जो पूजा वगैरह होती है वो इस तरीके से होती है। मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मतलब कभी नहीं देखी, अपने भाई की शादी में देखी थी कैसे करते हैं, अपनी शादी में भी देखी थी खैर, पर अभी याद नहीं है कैसे करते हैं। और वो ये कि मायके के अलग होते हैं थोड़े से, और यहाँ मतलब वो फंक्शंस और यहाँ के कुछ अलग हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते तो होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है। ये ले आए हैं ओखली के ऊपर रखी हुई है इन्होंने परात में गेहूं, और उसमें ये मूसल से लगा रहे हैं ऐसे, मतलब काउंट करके शायद ये 7 बार लगाते हैं। हाँ 7 बार ही लगाते हैं, और ये दो दो करके लगाते हैं, और ये 7 ही लेडीज़ लगाती हैं, मतलब फैमिली की ही हैं ये, मेरी सारी जिठानी है, मैं तो अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। जो इनके चाचा वगैरह के बच्चे हैं उनमें भी, जो ताऊ जी के हैं, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में, हस्बैंड सबसे छोटे हैं, और सारी मेरी जिठानियाँ ही लगती हैं। वो जो उधर रेड स्वेटर में खड़ी हुई है वो मेरी ननंद लगती हैं, और ये सब करेंगे अभी यहाँ पर। ऐसे ही पेयर्स में ही, जैसे इन्होंने मूसल पकड़े थे ना पेयर्स में, वैसे ही हैंड टू हैंड पकड़ के पहले गेहूं को बड़े वाले मटके में डाल लिए है, और अभी ये नमक को भी डाल रहे हैं, और ये जो हम घास ली हुई है ये भी हाथ में पकड़ के रखनी है। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, वो जो सामने उधर मकान नज़र आ रहे थे ना उधर कोने में, वो वाले मेरे घर थे, यहाँ से साफ दिखते हैं। और अभी दोबारा दिखाऊंगी, देखिए वो वाइट वाले जो वाइट कलर हुए हुए वहाँ पर, और ये इन्होंने यहाँ पर रख दी है ऐसे, ओखली के ऊपर ही रखते हैं। अब ये इनके पास रखेंगे छाज, और ये खड़े छाजों को कोई काम नहीं हुआ, मतलब इनका कोई रोल नहीं था आज के काम में, लेकिन इनको साथ में ऐसे खड़ा किया गया, और उसके बाद इनकी ना मतलब पूजा की गई है। देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जिस लड़के की शादी है उसकी भाभी है ये, और वैसे मेरी तो ये आगे भतीजे की बहू लगती है, मतलब मैं इसकी चाची सास लगती हूँ।
क्लिप है अब इवनिंग की, यहाँ पर हम सब कर रहे हैं पूजा। पूजा करने के बाद यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं और यहाँ पर की थी पितरों की पूजा, उसके बाद हमने किया था खाना। खाया था वहीं पर ही, हम सबका खाना वहीं पर ही था। और पूरी और मैं वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि पहले खाना बनवाने में लग गई, फिर खाने में थोड़ा सा बिजी हो गए और फिर रिकॉर्डिंग करना भूल गई। और ये उसके बाद फिर हम वहीं थे सारा दिन आज तो। और उसके बाद ये लेडी संगीत का डांस है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्ड कर पाई। आई होप आप सबने भी इंजॉय की होगी मेरी वीडियो, और अब आप इंजॉय कीजिए डांस। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि आते आते 10:30 बज गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था और मैं घर पर आके एंड नहीं कर पाई, घर पर आकर थोड़ी सी और भी सेटिंग करनी थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I'm gonna make you mine.